जी नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 24 जून 2018 का दिन है और आने वाला एक सप्ताह हम सबके लिए क्या कहता है इसे हम जानते हैं। मैं हूं दीपक कपूर। मेष राशि वालों के लिए आने वाला एक सप्ताह कुछ ऐसा है कि अपनों के लिए आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, इसलिए आप अपनों की मदद करना चाह रहे हैं। कारण कोई भी क्यों ना हो, अपनों से ज़िंदगी का तालमेल बना रहेगा तो खुशी की अनुभूति ज़रूर होगी। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ मुश्किल भरा है, इसलिए क्योंकि आपने अपने मन में बहुत सारी चिंताओं को बिठा रखा है। ऐसे में खुद पर भरोसा करना होगा ताकि आप अपनी चुनौतियों को भली भांति संभाल सकें। अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में रिश्तों की अच्छी भली स्थिति आपकी कही हुई बात से बिगड़ सकती है। अगर अनजाने में भी आप किसी को चुभती हुई बात कहेंगे तो उसका बुरा असर किसी प्यार के रिश्ते पर पड़ सकता है, इसलिए हर बात पर अपनी ईमानदारी बनाए रखनी होगी। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि निजी जीवन की सच्ची खुशी तब बनती है जब आप लोगों पर भरोसा कर सकें। अगर जुबान पर कुछ होगा और मन में कुछ होगा तो फिर वो बात नहीं बन पाएगी जैसी आप चाह रहे हैं, इसलिए आने वाले एक सप्ताह में अपने मन से अविश्वास के बादल तो आपको हटाने ही पड़ेंगे। सिंह राशि वालों को आने वाले एक सप्ताह में किसी भी अनजानी राह पर चलने से बचना होगा। कामकाज के क्षेत्र में भी किसी नए काम में हाथ डालने से नुकसान हो सकता है, इसलिए भी अपने हालात का सही आकलन करना होगा आपको। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है कि आर्थिक स्थिति ठीक है, उसके बावजूद आप संतुष्ट नहीं। चुनौतियों के बावजूद आपके प्रयास अच्छे हैं, पर हो सकता है कि आपकी उम्मीदें इस समय बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। तुला राशि वालों के अंदर काबिलियत भी है और आपकी मेहनत भी इस समय बनी हुई है। आने वाले एक सप्ताह में अपनी कोशिशों के बावजूद आप अपनी परिस्थिति से इस समय खुश नहीं हैं, इसलिए अपने कामकाज में भी कोई ना कोई गलती निकालते चले जा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को आने वाले एक सप्ताह को इस रूप से समझना होगा कि किसी भी नए काम में हाथ डालने से बचना होगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने काम से मतलब रखें। किसी भी तरह के जोखिम में पड़ने से बचने की ज़रूरत है। धनु राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है कि पैसे की स्थिति आपको संतोषजनक लग रही है, लेकिन पैसे से जुड़े फैसलों में गलती हो सकती है। अपने दिल की आवाज़ सुने ताकि आपके फैसले सही हो सके। मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है कि लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आप उन्हीं पर भरोसा नहीं कर पा रहे। अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को हटाकर अगर आप लोगों से जुड़े रहेंगे तो रिश्तों की मधुरता आपके लिए भरपूर बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है जिसमें बहुत कुछ समझना है। पैसा आ जाना अपने आप में पूरी बात नहीं, पर पैसे के लेन देन में सूझबूझ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत अपनी स्थिति को परेशानी में डालते चले जाने से तो आपको बचना पड़ेगा। मीन राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में कामकाज से जुड़ी परेशानियां हैं जिसका बुरा असर आपके प्रदर्शन पर पड़ रहा है। आप इस स्थिति से खुश नहीं हैं और इसी बात को संभाल लेने की ज़रूरत है। ये था जी आप सबके लिए आने वाले एक सप्ताह का राशिफल। नमस्कार।